हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर और मटर की स्टफिंग वाले दम आलू। तो चलिए बनाते हैं। ये बिल्कुल नई तरीके की सब्ज़ी है, आप ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए बनाते हैं फिर। आज हम बनाएंगे भरवा दम आलू, जिसके लिए हमें चाहिए सूखे मसाले, छोटी इलायची, 4 लौंग, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़े से काजू और 2 लाल मिर्च, 4 टमाटर, 4 प्याज, 2 हरी मिर्च, 8-10 लहसुन की कलियां। और स्टफिंग के लिए चाहिए हमें मटर, पनीर, हरी मिर्च, छोटी छोटी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और धनिया। और आलू चाहिए हमें थोड़ा बड़े साइज के, क्योंकि हमें इन्हें अंदर से खोखला करना है और खाली करके इसमें स्टफिंग भरनी है। और इसको कवर करने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा अरारोट, जिससे हम इसकी स्टफिंग को बाद में कवर कर सकें। इस तरीके से आलूओं को इस तरीके से हम इसमें खोखला कर लेंगे। ये इनका निकाल देंगे अंदर से धीरे धीरे करके, बड़े आराम से ऐसे करके। आलूओं को इस तरीके से खोखला कर लेंगे और इनको अब हम डीप फ्राई करेंगे। चलिए अब इन्हें हम डीप फ्राई करते हैं। तो गैस हमने ये ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, हमारा ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे, तब तक ये अच्छी तरह से कुक ना हो जाए। हम इनके लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब हम इनकी स्टफिंग के लिए पनीर को पहले मैश कर लेते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मटर, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी कटी हुई बारीक हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, जरा सा हल्दी पाउडर। और अभी से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इन सबको पीस कर हम इनका मसाला तैयार कर लेते हैं। ये हमारी स्टफिंग है, इसे हम आलू में अंदर भर के और फिर इसे इससे कवर कर देंगे। ये है हमारा टॉपसा। ये टमाटर का पेस्ट बना लिया हमने, ये प्याज का पेस्ट बना लिया है, ये सूखे मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये है काजू का पेस्ट। आलू को इस फोक से ऐसे दबाकर देखें अंदर तक पक गए हैं या नहीं। अंदर तक अगर पक गए हैं तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं और इनमें स्टफिंग भरकर तैयार करते हैं। ये आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं और इनकी हम स्टफिंग भरेंगे। इसके बाद हम इस कढ़ाई में ही मसाले छोड़ देंगे, जैसे हम उनकी ग्रेव कॉर्न फ्लावर से इस तरीके से कवर कर देंगे ताकि ये हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। प्याज भुनने के बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर, सूखे मसाले का पेस्ट। मसाले ने पेस्ट छोड़ दिया है, अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद डालेंगे हम इसमें काजू का पेस्ट। ये डाल दिया हमने इसमें काजू का पेस्ट। पेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे इसमें हम नमक। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, जितना हमें रसा रखना हो उतना। जितनी हमें ग्रेवी पतली या गाढ़ी रखनी हो उसी के हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे। मुझे थोड़ा गाढ़ी अच्छी लगती है। अब जब हमें ये ग्रेवी पक जाएगी इसमें हम डाल देंगे आलू, पर हम इसे 5 मिनट तक ढककर पकने देंगे। ये ग्रेवी अच्छे से पक गई है, इसमें हम डाल देंगे आलू। और जब ये आलू पक जाएंगे तो इसमें हरे धनिया से गार्निश करके सर्व कर देंगे।
तो देखिए गाइस, दम आलू हमारे बन चुके हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप भी बनाइए, खाइए और मुझे बताइए मेरे दम आलू की रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।